वेलकम बैक टू द पटेलजी लर्निंग जोन। यस फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। लाइक हम लोगों ने अभी तक मीन के सारे टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। लाइक हम लोगों ने पहले एरिथमेटिक मीन देखा, कंबाइंड मीन देखा, वेटेड मीन देखा, एंड देन आफ्टर लास्टली हमने ज्योमेट्रिक मीन भी देखा। सो हर टाइप के मीन्स हमने देख लिए हैं। नाउ डेज हम लोगों को अब स्टार्ट करना है मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। नाउ व्हाट इज दिस? अब ये जो है एग्जैक्टली प्लेस सजेस्ट करने वाले मेजर होते हैं कि जो आपको एग्जैक्टली जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिवाइड करके उसको एग्जैक्टली वो प्लेस पे कौन सा ऑब्जर्वेशन आएगा वो चीज आपको यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट बात करते हैं हम मीडियन की। सो हमेशा मान लो कि ये एक टाइप की इंफॉर्मेशन है। सो मीडियन उस इंफॉर्मेशन को दो हिस्से में डिवाइड करता है। नाउ मान लो कि ये एक साड़ी है या एक दुपट्टा है, इसको अगर दो हिस्से में डिवाइड करना है तो क्या करना पड़े, कट कितनी जगह से लगाना पड़ेगा? दो हिस्से में डिवाइड करना है सो कट एक ही जगह से लगाना पड़ेगा, दैट इज योर मीडियन। समझ रहे हो? वेरी गुड। अब मैं बोलूं यही दुपट्टे के अगर चार हिस्से करने हैं तो क्या करोगे, कितनी जगह पे कैंची चलानी पड़ेगी? तीन जगह पे। तो दैट इज योर क्वार्टाइल, Q1, Q2 एंड Q3। तो इसने क्या किया, इंफॉर्मेशन को 25% 25% 25% 25% 25-25 के फोर हिस्से कर दिए। सो 100% इंफॉर्मेशन को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मीडियन का काम है 50-50 डिवाइड करना, क्वार्टाइल का काम है 25-25-25-25, दैट इज फोर पार्ट में डिवाइड करना। ऐसे ही डेसाइल का काम होता है इंफॉर्मेशन को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो टोटल डेसाइल की बात करते हैं तो डेसाइल 9 होते हैं, दैट इज D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। समझ रहे हो? सो टोटल डिसाइल कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। उसमें से मैं बोलूं D5 क्या है, इंफॉर्मेशन को 50% में डिवाइड करता है, सो अगेन मैं बोलूंगी कि Q2 इज इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू D5 इज इक्वल्स टू P25। समझना कि ये सारी चीजें एक ही है, बिकॉज ये सब क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को 50-50% में डिवाइड करते हैं। Q2 का काम है इंफॉर्मेशन को हाफ डिवाइड करना, M का काम तो ऑब्वियसली हाफ है, मीडियन है वो। D5 का मतलब भी यही है, इंफॉर्मेशन को 10-10 में डिवाइड करना है। सो 10 हिस्से में डिवाइड किया तो 5 एग्जैक्ट बीच में आएगा, एग्जैक्टली 50 भी ऐसे बीच में आता है। सो ये हर एक मेजर सेम है। ठीक है, नाउ ये मैंने डेसाइल तक की बात करी। नाउ परसेंटाइल, परसेंटाइल इंफॉर्मेशन को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है, P50, P25 and P75। ऐसे तो P 100 होते हैं, P1, P2, P3, P4, तो P कितने होते हैं, 99 होते हैं, 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो होंगे कितने, 99। क्लियर? उसमें से मैं बोलू Q2 इज इक्वल्स टू P25। देखो ये क्या करता है, 25% में ही डिवाइड करता है ना, और ये क्या करता है, ये भी वही करता है। सो दोनों क्या है, एक ही है भाई, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, Q3 इज इक्वल्स टू P75। समझ रहे हो? अगेन ये 25 25 25 कितने हुए, 75। तो P75 का भी काम क्या है, 25 75 में डिवाइड करना, जबकि इसका भी काम वही है। सो बेटा कभी भी इंफॉर्मेशन जो भी है उसमें ये सारे मेजर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि सम के अंदर आपको मीडियन भी बोला है फाइंड करने का और सारे क्वार्टाइल्स भी बोले हैं। इन दैट केस आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने Q2 फाइंड कर लिया तो मुझे मीडियन अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर?
समझ में आया? वेरी गुड। अब ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको हर चीज के लिए अलग से ऑब्जर्वेशंस लर्न करना पड़ेगा, हर के लिए फॉर्मूला अलग अलग लर्न करने पड़ेंगे। हर के लिए हम फॉर्मूला अलग अलग लर्न करने के बदले एक ट्रिक बना लेते हैं कि हमको सिर्फ मीडियन के फॉर्मूलाज आ जाए तो उसके कारण हम लोगों को बाकी सब के, मतलब कि जितने भी क्वार्टाइल डेसाइल है उन सब के फॉर्मूलाज याद रह जाए। पहले आज के लेक्चर में हम लोग अभी मीडियन के फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर से मैं आपको सिखा दूंगी कि क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। क्लियर? लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, इंफॉर्मेशन कितने टाइप्स की होती है? इंफॉर्मेशन कितने टाइप्स की होती है? यस, इंफॉर्मेशन थ्री टाइप्स की होती है। हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं ये चीज। पहली जो मैं बात कर रही हूं तो वो है अनग्रुप्ड डेटा। जब भी आपको अनग्रुप्ड डेटा है और मीडियन फाइंड करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन सबको असेंडिंग ऑर्डर में कर देना है। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद m इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइड बाय जो भी आंसर आता है वो वाला, वो नंबर का ऑब्जर्वेशन विल बी योर मीडियन। ठीक है, जो ये ऑब्जर्वेशन आया वो नंबर का ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन है। मान लो कि आपको Q1 फाइंड करने का बोला, तो 1 इनटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 करने का। मान लो कि आपको P25 बोला, तो आपको 25 इनटू n प्लस 1 डिवाइड बाय, P का मतलब 100 डिविजन है, तो 100। मान लो कि आपको D7 बोला, तो 7 इनटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 10th। एक बात नोटिस किया, तो अगर मीडियन है तो वो इंफॉर्मेशन को दो हिस्से में डिवाइड करता है, ये दो। क्वार्टाइल है, चार हिस्सों में डिवाइड करता है, ये डिवाइड बाय 4 होगा। परसेंटाइल 100 एंड डेसाइल 10। क्लियर? समझ रहे हो? अब अगर 25 नंबर का है तो 25 से मल्टीप्लाई करो, 7 नंबर का है 7 से मल्टीप्लाई करो। इधर तो नंबर ही नहीं है, मल्टीप्लाई ही मत करो। 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। दैट्स इट फ्रेंड्स। आप लोग इसी तरीके से इजीली अनग्रुप डेटा के बारे में, मीडियन हो चाहे क्वार्टाइल हो डेसाइल हो, कुछ भी है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? बट यस, याद रखना जो आया वो आंसर नहीं है, वो नंबर का ऑब्जर्वेशन आपका आंसर। क्लियर? आगे देखते हैं, डिस्क्रीट टाइप का अगर ऑब्जर्वेशन है तो क्या करेंगे? ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दिया। ठीक है, अब अगर डिस्क्रीट टाइप का है तो क्या मतलब, जनरली क्या होता है कि जो ग्रुप्ड डेटा है वो भी दो टाइप का होता है ना। ग्रुप डेटा भी कितना होता है? दो टाइप का। तो उसमें एक होता है डिस्क्रीट, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। ओके,
अब मान लो कि डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट का मतलब तो पता है ना आपको, ऐसे देता है, दिया होता है एक्स एंड एफ, राइट। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइंड सी एफ। क्या फाइंड कर लेना है, सी एफ। देन आफ्टर क्या करना है, तो बोला एम इज इक्वल्स टू एन प्लस वन डिवाइड बाय ट्रूथ ऑब्जर्वेशन सी इन सी एफ एंड योर एक्स इज योर एक्स। जो सी एफ आया, मान लो सी एफ इज इक्वल टू 19 आया, सॉरी जो एम आया, एम इज इक्वल टू मान लो 19 आया, तो उसको आपको सी एफ में देखने का, 21 है तो उसके अंदर आपका 19 आ गया, तो उसका एक्स वो आपका मीडियन हो। सेम वे में इसी तरीके से क्वार्टाइल के फॉर्मूला बना सकते हो, डिवाइड बाय 4 करो, डिवाइड बाय 10 करो, डिवाइड बाय 100 करो, एंड यू विल गेट फॉर्मूला फॉर क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। मेन जो चीज है वो है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट यू विल डू विद कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड सी एफ, देन आफ्टर एम इज इक्वल्स टू एन बाय टू ऑब्जर्वेशन सी। मैंने इधर प्लस नहीं किया, तो आपको याद रखना है अनग्रुप डेटा इन डिस्क्रीट में प्लस वन होता है, पर यहाँ पे प्लस वन नहीं होता, ये वन निकला, इसके बदले ना बहुत कुछ ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। वन अच्छा था आई थिंक, है ना, प्लस वन निकल गया, उसके बाद इतना कुछ ऐड हो गया, ये मिलने के बाद सी इन सी एफ, सी एफ में देखने के बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे एन का मतलब है लोअर बाउंड्री पॉइंट, सी एफ का मतलब है सी एफ ऑफ प्रीसीडिंग नहीं बोल सकते लास्ट क्लास, इसके ऊपर वाला भी बोल सकते हैं, लास्ट नहीं बोल सकते इसको, सी एफ ऑफ एबो क्लास, इसके ऊपर का जो होगा उसका आपको सी एफ लेना है। देन आफ्टर एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, एंड देन आफ्टर और क्या बचा भाई, सी, तो क्लास लेंथ ऑफ सेम क्लास। तो आपको सेम क्लास से लोअर बाउंड्री लेनी है एंड सी एफ आपको ऊपर वाले क्लास की लेनी है, ये याद रखना है, ठीक है। सो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आई एग्री बहुत कम समझ में आएगा, बट यू जस्ट डोंट वरी, जब भी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सम करेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मूला में समझ में नहीं आएगा बट देन आफ्टर फॉर्मूला लर्न करना जरूरी है, तो ये फॉर्मूला लर्न करके रखो, इसमें कौन सी वैल्यूज कैसे रखनी है ये पहले अभी इसी हिसाब से लिख के रखना। आई नो समझ में नहीं आएगा, छोड़ दो, सम करेंगे डेफिनेटली समझ में आएगा, उसके बाद यही चीज आप देखोगे बोले अच्छा ऐसा था, समझ गए, ठीक है। सो अभी इस चीज को लिख के जरूर रखना, आई नो समझ में नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बाद में हम लोग सम करेंगे तो डेफिनेटली ये हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल एंड मीडियन इन सभी के साम्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए रजा लेती हूँ मैं आपसे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।